देखिए, झारखंड एक अजीब राज्य है। ये अजीब इस कदर है कि क्योंकि ऐसा दूसरा उदाहरण हमने किसी दूसरे राज्यों में नहीं देखा कि जो माइंस मिनिस्टर हैं वो खुद से अपने नाम पर माइंस का अलॉटमेंट कर लेते हैं। चूँकि ये मामला अदालत में विचाराधीन है तो इस पर ज़्यादा टिप्पणी करना हमारे लिए उचित नहीं है। और उसी तरीके से स्वास्थ्य मंत्री हैं जो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, कोरोना वॉरियर्स के लिए प्रोत्साहन राशि है वो खुद से ले लेते हैं। और माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने हिंदी शब्दकोश में एक नए शब्द का ईजाद किया है, वो है बन्ना बांट। भाई आज तक हम लोगों ने बन्ना बांट से मिलता जुलता दूसरा शब्द सुना था, लेकिन बन्ना बांट पर ओरिजिनल कॉपीराइट हमारे माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी का ही है। बन्ना गुप्ता जी ने कहा, अभी मैंने देखा हाल में मीडिया में, कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी और वो इस बात की जाँच कराएंगे। माननीय मंत्री जी किस तरीके से गलत बयानी कर रहे थे, ये आपको प्रूव करने के लिए कुछ दस्तावेज हैं, जैसे ये स्पष्ट हो जाएगा। या 1 मई 2021 का नोटिफिकेशन है कि जो प्रोत्साहन राशि है उसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, और उसमें साफ लिखा है कि ट्रेसिंग, टेस्टिंग, सुपरविजन में रिलेटेड जितने लोग हैं, कोविड अस्पताल, कोविड वार्ड में कार्यरत लोग हैं, कार्यालय कंट्रोल रूम में प्रतिनियुक्त चिकित्सा कर्मी और चिकित्सकों को 1 माह के मूल वेतन मानदेय का समतुल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा। ये 1 मई 2021 का सरकार का स्वास्थ्य विभाग का अधिसूचना है। उसके बाद माननीय मंत्री जी के कार्यालय से एक पत्र लिखा जाता है और उस पत्र में जोड़ दिया जाता है कि माननीय मंत्री जी जो हैं उनको भी, उनके भी सेल में जितने लोग, तमाम लोग कार्यरत हैं, ये पत्र है 24 फरवरी 2022 का, कि जिसमें निर्देशानुसार, यानी माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार, इसमें माननीय मंत्री को और उनके स्थापना एवं कोषांग में पदस्थापित कार्यरत सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों का भुगतान किया जाए कोरोना प्रोत्साहन राशि का। यह माननीय मंत्री के निर्देशानुसार जारी किया गया पत्र है। तो माननीय मंत्री जी का यह कहना कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं, वो साफ दिखाता है कि वो गलत बयानी कर रहे थे। और उसके बाद विभाग आदेश निकालता है और उस आदेश में ये मेंशन होता है कि अब जो कोरोना प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ये 14 अप्रैल 2022 का आदेश है कि अब जो भी राशि दी जाएगी उसमें माननीय विभागीय मंत्री, आप सचिव, उनके कोषांग के कर्मी, सभी अंगरक्षक, कुल 60 पदाधिकारियों को ये जो राशि है ये दी जाएगी। तो हमने इसीलिए कहा कि माननीय मंत्री जी ने गलत बयानी की, बन्ना बांट कर लिया, और काश ये प्रोत्साहन राशि उन्होंने उन डॉक्टरों को दी होती। हमने दो डॉक्टर का आपको उदाहरण भी बताया था, एक डॉक्टर झा हैं और एक दूसरे डॉक्टर विनोद सिंह हैं, जिनका डेथ हो गया था। डॉक्टर शिखा झा और डॉक्टर विनोद सिंह का कोरोना के दौरान, ऐसे दर्जन उदाहरण हैं जिनका आज तक पेमेंट नहीं हुआ। और सबसे आश्चर्यजनक बात है, इस लिस्ट में स्वास्थ्य सचिव जो हैं उन्होंने भी अपना नाम जोड़ लिया। यानी पूरे तरीके से विभाग में बन्ना बांट हुई और कोरोना काल में जितना कुछ भी कार्य हुआ है, जितना खरीद हुआ है, जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, मांग करते हैं कि माननीय मंत्री और इनके विभाग की सिटिंग हाई जाने के बाद, वो भी किसी से छिपा नहीं है। सदर अस्पताल में बताया गया कि ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति हो गई, वो सिर्फ कागजी आपूर्ति थी, यथार्थ में कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुँचा। कोरोना किट की जो जाँच किट थी उसकी घटिया आपूर्ति हुई, इसकी चर्चा मैं आपसे पहले भी कर चुका हूँ कि यहाँ जो टेस्ट पॉजिटिव आ रहे थे रैपिड एंटीजन में रेलवे स्टेशन में, 95% टेस्ट वो RT-PCR में नेगेटिव हो रहे थे। तो ये सिर्फ घटिया किट की आपूर्ति के कारण हुआ था। आयुष्मान भारत की योजना को इन्होंने झारखंड में ध्वस्त कर दिया है। 400 करोड़ रुपये इस योजना में फंड है, 250 करोड़ रुपये सरकार रिलीज कर चुकी है जो क्लेम है हॉस्पिटल्स का, लेकिन सिर्फ 70 करोड़ का भुगतान हुआ है अस्पतालों को। 180 करोड़ के फाइल पर विभागीय मंत्री आज भी कुंडली मारकर बैठे हैं, और क्यों बैठे हैं ये, इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं। तो अब प्राइवेट अस्पतालों ने भी आयुष्मान भारत योजना से किनारा करना शुरू कर दिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना थी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ कमीशनखोरी चल रही है, जिसके कारण इस योजना को इन्होंने धरातल पर उतार दिया। मशीनों की खरीद की बात करेंगे तो हाईकोर्ट की फटकार के बाद CT स्कैन मशीन रिम्स में आ तो गई पर अभी भी चालू नहीं हुई है। जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन कब चालू होगी पता नहीं। कोरोना की सेकेंड लेयर के लहर के समय जिसे खरीदने का आनंद फानंद में आदेश हुआ था, वो 1 वर्ष अभी तक खरीदी नहीं गई। अब तो तीसरी लहर पार हो गई, चौथी लहर की आशंका है, लेकिन जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन नहीं लगी है।
और इसी तरीके से जितने तमाम घपले घोटाले हुए हैं स्वास्थ्य विभाग में विमंत बन्ना गुप्ता जी के कार्यकाल में, सबकी जांच एक उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से करनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी को इन पे सीधे करप्शन का चार्ज प्रूव होता है, इन्होंने खुद अपने आप को प्रोत्साहन राशि देने का रिकमेंडेशन किया जो विभाग के ओरिजिनल संकल्प के विपरीत था, तो इनको तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की अनुशंसा राज्य सरकार को महामहिम राज्यपाल को करनी चाहिए और इनके पूरे कार्यकाल की केंद्रीय एजेंसी या CBI या सिटिंग जज के द्वारा जांच करनी चाहिए। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।